नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। हरियाणा सरकार राज्य के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के फाइनल ईयर कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पासपोर्ट बनवाने के लिए योजना चला रही है। उच्चतर शिक्षा विभाग यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के निदेशक की ओर से एक बार फिर प्रदेश के सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्रिंसिपलों को पत्र लिखकर विद्यार्थियों को पासपोर्ट बनवाने के लिए प्रेरित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आमतौर पर देखने में आया है कि हरियाणा के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ने वाले काफी विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा के लिए विदेशों की अच्छी यूनिवर्सिटीज के बारे में ज्ञान न हो पाने कारण नहीं जा पाते, जिससे विदेशों में उनकी नौकरी की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट की फाइनल ईयर की कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के कॉलेज में ही पासपोर्ट बनवाने की योजना शुरू की जाए। इन दिनों सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना के तहत 3500 रुपए दिए जाने का मैसेज यानी लिंक खूब वायरल हो रहा है। यदि आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया है तो सावधान रहें। रुपयों की चाह में इस लिंक पर क्लिक करना भारी पड़ सकता है, खाता खाली हो सकता है या फिर मोबाइल में मौजूद निजी डाटा भी लीक हो सकता है। दरअसल लोग अपने जाल में फंसाने के लिए इन्होंने एक नई तरकीब निकाली है। लॉकडाउन के चलते लोगों के काम छूट रहे हैं, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, साइबर ठग भी ऑनलाइन इस तरह का फायदा उठा रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता योजना 2020 का नाम यानी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम 2020 से मैसेज जमकर वायरल हो रहा है। लोग भी बिना जानकारी के इसे अंधाधुंध शेयर कर रहे हैं। इस मैसेज में लिखा है कि योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराएं, बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाएगा, पंजीकरण निःशुल्क, योग्यता 10वीं पास और आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित होना बताया गया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मई लिखी है। साथ ही एक लिंक भी दिया गया है जिसे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने को कहा जाता है। साइबर एक्सपर्ट भूपेश लाठर ने बताया कि सरकारी विभाग की वेबसाइट के आखिर में nic.in होता है, जबकि .com कमर्शियल साइट पर इस्तेमाल होता है। ये जो भत्ते संबंधित ब्लॉग लिंक भेजे जा रहे हैं बिल्कुल फर्जी हैं। इसे भरने की प्रक्रिया में कई मिनट लगते हैं। यह डाटा आपका निजी या फिर बैंक संबंधी भी हो सकता है। लोग जागरूक रहें और किसी भी तरह के लिंक पर बगैर जानकारी के क्लिक न करें। इधर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB भी इसे फर्जी घोषित कर चुकी है। कोरोना कहर के बीच प्रचंड गर्मी ने पूरे हरियाणा में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मंगलवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। बुधवार को सुबह से ही पारे ने चढ़ना शुरू कर दिया। दोपहर 12 बजे तक सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। हिसार में गर्मी ने मई माह में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मंगलवार को यहां अधिकतम पारा 48 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। इससे पहले साल 2010 में मई में पारा 48 डिग्री के पार पहुंचा था। मई माह में सबसे गर्म दिन वर्ष 1998 में रहा। 26 मई 1998 को अधिकतम पारा 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है। दिन के समय लू चलेगी और पारा भी 45 से 48 डिग्री के बीच बना रहेगा। 28 मई को प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रवेश की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। 29 मई के बाद मौसम में परिवर्तन की उम्मीद है। कई जगहों पर बारिश या बूंदाबांदी होगी और गर्मी से राहत मिलेगी। भारत के अलग अलग राज्यों में लोग झुलसाती गर्मी से परेशान है। न तो लोगों को घर पर राहत है और न ही घर से बाहर। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान के चूरू में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। बीते मंगलवार को चूरू विश्व का सबसे गर्म शहर रहा। मौसम विभाग के मुताबिक चूरू में बीते मंगलवार को तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी राजस्थान के रेतीले इलाके जैसलमेर में यह 46.4 डिग्री रहा, जबकि इससे सटे बाड़मेर में पारा 45.7 डिग्री रहा। कोटा 46.5 डिग्री तो बीकानेर, श्री गंगानगर और जयपुर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पर अटका रहा। जयपुर के लिए भी मंगलवार का दिन इस गर्मी के सीजन का सबसे गर्म दिन साबित हुआ। प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के चलते बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में संक्रमण को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस संक्रमण को रोकने के लिए अब सभी को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा। इन नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों को 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माने की अदायगी न्यायालय के माध्यम से नहीं
नगद में वसूली जाएगी। विज बुधवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जब उनसे हरियाणा में कोरोना की स्थिति के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जुर्माने लगाने के लिए अस्पतालों में मेडिकल अधिकारी, नगर पालिकाओं में म्युनिसिपल इंजीनियर, ग्राम पंचायतों में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा संबंधित क्षेत्रों में पुलिस के SHO अधिकृत होंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आज ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि पाकिस्तान से राजस्थान में पहुंचे टिड्डी दल यदि हरियाणा पहुंचता है तो कृषि विभाग इस समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह तैयार है। कृषि मंत्री ने भिवानी में बताया कि यदि राजस्थान से टिड्डी दल हरियाणा में पहुंचता है तो दवाई के छिड़काव से टिड्डी दल को वहीं मार दिया जाएगा तथा उसे दोबारा उड़ने का अवसर नहीं दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने दावा किया कि हरियाणा के जिस भी हिस्से में टिड्डी दल बैठेगी प्रशासन उसको मारकर सोएगा। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि इन झुंडों का आकार 2 से 3 किलोमीटर लंबा चौड़ा हो सकता है। यह टिड्डी दल जहां भी बैठता है वहां फसल को चट कर जाता है तथा बड़ी संख्या में अपने बच्चे भी वहां छोड़ जाता है। देश में अभी तक मध्य प्रदेश व राजस्थान में टिड्डी दल देखे जाने की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि अब तक हरियाणा के सिरसा में ही काफी समय पहले टिड्डी दल आने के समाचार मिले थे। यदि हरियाणा में टिड्डी दल कहीं भी आता है तो कृषि विभाग इसे मार कर ही छोड़ेगा। गौरतलब है कि हरियाणा प्रदेश में टिड्डी दल के प्रवेश की प्रबल आशंकाएं जताई जा रही है। यह टिड्डी दल राजस्थान के बीकानेर, झुंझुनू, नागौर, सीकर से होते हुए हरियाणा प्रदेश के बॉर्डर पर लगते भिवानी, सिरसा, महेंद्रगढ़, हिसार जिलों में इसके पहुंचने की संभावनाएं ज्यादा हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग हरियाणा ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरों को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था। इसे देखते हुए CBSE बोर्ड ने भी अपनी बोर्ड परीक्षाएं रोक दी थी। अब CBSE बोर्ड 10वीं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और देश भर में 12वीं की बची हुई परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित करेगा। लेकिन CBSE में लगातार ये समस्या सामने आ रही है कि COVID-19 के प्रसार और लॉकडाउन के कारण स्कूलों को बंद करने के कारण कुछ छात्र अब उस स्टेशन पर मौजूद नहीं है जहां से वे परीक्षाओं में उपस्थित हुए थे। ऐसे में परीक्षाओं को स्थगित करने से पहले वाली जगह पर उनके लिए निर्धारित परीक्षाओं को उपस्थित होना मुश्किल होगा। उम्मीदवारों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तय किया है कि जो अपने परीक्षा केंद्र के जिले के बजाय अन्य प्रदेशों या जिलों में स्थानांतरित हो गए हैं, CBSE उनके परीक्षा केंद्र को छात्र के वर्तमान जिले में स्थानांतरित करेगा। फिलहाल इस संबंध में CBSE द्वारा जून 2020 के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी की जाएगी। CBSE ने कहा है कि ऐसे उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे अपने स्वयं के स्कूलों के संपर्क में रहें और जैसे ही CBSE अधिसूचना जारी करे उन्हें सुझाई गई कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बीच अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि यदि भारत और चीन चाहें तो अमेरिका मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमने भारत और चीन दोनों को ही जानकारी दी है कि अमेरिका उनके बीच स्थित सीमा विवाद के निपटारे के लिए मध्यस्थ बनने का इच्छुक भी है और इसको निपटाने के लिए सक्षम भी है। इस बीच भारत में चीन के राजदूत सुन वेडोंग ने कहा है कि भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए अवसर है। भारत और चीन दोनों ही मिलकर कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच जो मतभेद हैं उनका असर संबंधों पर नहीं पड़ना चाहिए। दोनों देशों को बातचीत के जरिए मतभेदों को सुलझाना चाहिए। इस बीच सीमा पर तनातनी के बीच भारतीय सेना के कमांडरों का सम्मेलन बुधवार को नई दिल्ली में शुरू हो गया है, जहां सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के संबंध में गहन चर्चा की जाएगी। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में लद्दाख में चीन के कारण उपजे हालात सहित सभी सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होगी। कल यानी बुधवार 27 मई को सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 46,290 रुपए पर आ गया है। शुक्रवार के मुकाबले सोना 640 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 705 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी टूटकर 46,920 रुपए पर आ गई है। वहीं 24 कैरेट सोना यानी गोल्ड 999 का भाव मंगलवार के मुकाबले 539 रुपए सस्ता हुआ है। वहीं 23 कैरेट सोना यानी गोल्ड 995 में 542 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 494 रुपए टूटकर 42,374 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई है। यहाँ बताना जरूरी है कि असली सोना 24 कैरेट का ही होता है, लेकिन इसके आभूषण नहीं बनते क्योंकि वो बेहद मुलायम होता है। आभूषणों के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें 91.66% सोना होता है।
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने ग्राहकों को मई में दूसरी बार बड़ा झटका दिया है। दरअसल SBI ने एक बार फिर फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD की ब्याज दर कम कर दी है। इसका नुकसान उन ग्राहकों को सबसे अधिक होगा जिन्होंने अपनी सेविंग को फिक्स्ड डिपॉजिट करा रखी है। यहां बता दें कि देश में पारंपरिक सुरक्षित और निश्चित ब्याज इनकम के लिए बड़े पैमाने पर FD में निवेश किया जाता है। बैंक ने सभी अवधि की FD पर ब्याज दरें 0.40% की कटौती की है। नई दरें 27 मई से लागू हो गई है। एक साल या दो साल से कम अवधि के फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD पर भी अब ग्राहकों को 5.10% का ब्याज मिलेगा। इससे पहले ग्राहकों को 5.50% का ब्याज मिलता था। यह ब्याज दर 2 साल या 3 साल से कम अवधि के FD पर भी लागू हो रहा है। आपको बता दें कि SBI ने मई के शुरुआती हफ्ते में 3 साल की अवधि तक की FD पर ब्याज दरें 0.20% तक घटा दी थी। बैंक की तरफ से तय नई दरें 12 मई से लागू हो गई थी। इस तरह सिर्फ 15 दिन में दूसरी बार FD पर ब्याज दर में कटौती हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उज्ज्वला योजना में 14.2 किलोग्राम वाले 3 LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। यह ऐलान मोदी सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपए के पहले राहत पैकेज में किया था, यानी गरीबों को 1 महीने में 1 सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। वहीं जिनके पास 5 किलो वाले सिलेंडर है उन्हें 3 महीने में कुल 8 सिलेंडर फ्री मिलेंगे। बता दें सरकार की इस स्कीम का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जो इस उज्ज्वला योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं। सरकार की इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपके पास अब केवल 1 महीना बचा है। 3 महीने तक फ्री गैस सिलेंडर पाने की वैधता जून महीने के आखिर में खत्म हो जाएगी। ऐसे में अगर चाहें तो आपको भी इस योजना का लाभ मिल सकता है, बशर्ते आप पात्र हों। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए BPL परिवार की कोई महिला आवेदन कर सकती है। इसके लिए आपको KYC फॉर्म भरकर नजदीकी LPG केंद्र में जमा करना होगा। आवेदन करते समय आपको यह भी बताना होगा कि आप 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर लेना चाहते हैं या 5 किलोग्राम का। फॉर्म आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या आप नजदीकी LPG केंद्र से भी आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देश भर में कई हफ्ते से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सभी टेलीकॉम कंपनियां लगातार नए प्लान ला रही हैं, जिससे ग्राहकों को बेहतर इंटरनेट का अनुभव मिल सके। इसी कड़ी में BSNL भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से पीछे नहीं है और लगातार नए ऑफर्स ला रहा है। यह कंपनी 1498 रुपए का नया स्पेशल टैरिफ वाउचर लेकर आई है। इस प्लान में 91 GB हाई स्पीड डेटा बिना किसी FUP लिमिट के मिल रहा है, यानी आप इस डेटा का इस्तेमाल एक दिन में भी कर सकते हैं या फिर अपनी जरूरत के हिसाब से वैलिडिटी पीरियड के दौरान रोजाना इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह BSNL का लॉन्ग टर्म टैरिफ वाउचर है। इसकी वैलिडिटी 365 दिन की है। जैसा आपको पहले बताया गया है कि इस प्लान में किसी बिना FUP लिमिट के यानी 91 GB डेटा ऑफर किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल आप रोजाना अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप 1498 रुपए के प्लान में दिलचस्पी नहीं रखते तो कंपनी के पास आपके काम के कई अन्य टैरिफ वाउचर भी मौजूद हैं। कंपनी 96 रुपए के प्लान में 11 GB डेटा मिलता है। यह डेटा बिना किसी FUP लिमिट के आता है। इसकी वैलिडिटी भी 30 दिन की है। इसके अलावा आप 48 रुपए का डेटा प्लान भी ले सकते हैं। इसमें आपको 30 दिन के लिए 5 GB डेटा मिलता है। BSNL अपने 98 रुपए के प्लान में रोजाना 2 GB डेटा ऑफर करता है। इस प्लान की वैलिडिटी 20 दिन की है। इसके अलावा 198 रुपए के प्लान में आपको एरोज 9 का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, साथ ही 2 GB डेटा भी आपको रोजाना फ्री मिलता है। और अब बात आज के इतिहास की। 1883 हिंदुत्ववादी नेता और कवि विनायक दामोदर सावरकर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1959 आज ही के दिन 2 अमेरिकी बंदरों ने अंतरिक्ष की सफल यात्रा की थी। 1908 जासूसी उपन्यास जेम्स बॉन्ड के लेखक इयान फ्लेमिंग का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1974 पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी मिसबा उल हक का जन्म हुआ। 1998 पाकिस्तान ने पहला परमाणु परीक्षण किया। 2008 नेपाल में 240 सालों से चली आ रही राजशाही का आज ही के दिन अंत हुआ। 2010 हॉलीवुड अभिनेता स्पीड डेनिस हॉपर का निधन हुआ।